हैं अपडेट मीडिया 24x7। हम आपको दिखाएंगे हर क्षेत्र से जुड़ी सारी अहम खबरें। तो चलिए उससे पहले रुक करते हैं आज के ताजा खबरों की तरफ। मॉक ड्रिल देख लोगों में दहशत। मौधा हमीरपुर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और डेल्टा के संयुक्त आक्रमण से पैदा होने वाली भयावहता और संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सोमवार की दोपहर कस्बे के सरकारी अस्पताल में नोडल अधिकारी के समक्ष एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिससे अस्पताल में मौजूद मरीजों और तीमारदारों में हड़कंप मच गया। कस्बे के सरकारी अस्पताल में सोमवार दोपहर ज्वाइंट डायरेक्टर BPS चौहान स्वास्थ्य विभाग लखनऊ द्वारा शासन के निर्देश पर 3 जनवरी 4 जनवरी 2022 को सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर मॉक ड्रिल के निर्देश दिए गए थे, जिस पर सोमवार दोपहर कस्बे के सरकारी अस्पताल में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिस पर एक मरीज को ऑक्सीजन लगाकर स्वास्थ्य विभाग कर्मियों द्वारा पूर्ण कोरोना किट पहनकर मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया गया। BPS चौहान ने पत्रकार वार्ता में बताया कि हम तीसरी लहर के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। मौदहा में L1 प्लस अस्पताल, कुरारा L2 हॉस्पिटल में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। शासन की मंशा है कि इस बार कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, इसलिए पहले से ही सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई। इसी कारण आज मेरे द्वारा लखनऊ से जनपद हमीरपुर के इन दोनों केंद्रों पर मॉक ड्रिल का प्रदर्शन करवाया गया है और लगभग सारी व्यवस्था पूरी कर ली गई है। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी AK रावत, CSC अधीक्षक डॉक्टर जय साहू सहित CSC का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। शासन के निर्देश पे 3 और 4 में मॉक ड्रिल के लिए निर्देश दिए गए थे, तो मैं जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर BKS चौहान लखनऊ से प्रवन से आया हूँ। तो इसमें इस संदर्भ में मैंने आज ये CSC मौदहा और L2 हॉस्पिटल ये L1 प्लस दोनों का निरीक्षण किया। तो इसमें एक संभावित अगर तीसरी लहर आती है तो उसकी कोविड की तैयारियों का परीक्षण। सर, यहाँ किस तरह की सुविधाएं हैं अगर ऐसी कोई संभावना होती है तो? यहाँ L1 प्लस लेवल की हमको सभी सुविधाएं मिली हैं। यहाँ ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम जो हमारे ऑक्सीजन का होना चाहिए, एक पेशेंट आप मॉक ड्रिल आपने देखा कि पेशेंट लाया गया, ऑक्सीजन के साथ कैसे ले जाया गया, ये विद इन टाइम फ्रेम के अंतर्गत पेशेंट को बेड पर पहुँच जाना चाहिए। तो पेशेंट बेड पर पहुँच गया, वो हो गया। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम के लिए मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्लांट, जनरेशन प्लांट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ये बी टाइप और डी टाइप सिलेंडर सब की व्यवस्था, ट्रिपल लेयर ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए स्टाफ ट्रेंड है, बिल्कुल बहुत ही यथोचित बिल्कुल सब मिला है। अगर कोई ऐसी संभावित लहर आती तो जो शासन की मंशा है कि अब की कुछ बिल्कुल ऐसा न हो जाए तो हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं और ये तैयारी पूरी होना चाहिए। अपडेट मीडिया के लिए अमित कुमार प्रजापति की रिपोर्ट।